नमस्कार, मैं अभिषेक त्यागी। गुजरात के दो शेरों की है टीम इंडिया पर नजर। जी हाँ, गुजरात के दो शेर, गुजरात की टीम, गुजरात टाइटंस की दो टीम के शेर हैं जिनकी टीम इंडिया में वापसी पर नजर है। वैसे तो देखिए, T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया खिलाड़ियों को तैयार कर रही है, मैनेजमेंट खिलाड़ियों को जांच रहा है, परख रहा है, लगातार मौके दिए जा रहे हैं, लगातार उनको आजमाया जा रहा है। इस कड़ी में बहुत सारे खिलाड़ियों की लिस्ट है, लेकिन अब गुजरात की टीम के दो खिलाड़ी हैं जिनकी टीम इंडिया में वापसी पर नजर है, और वो खिलाड़ी चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द T20 विश्व कप की टीम में अपनी जगह बनाए। पहला नाम आप लोगों को पता है, जाहिर तौर पर हार्दिक पांड्या का। आप सब लोग चाहते भी हैं कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया में वापसी करें, हम भी चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया में जोरदार वापसी करें, और उसके लिए IPL में उनको बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर हार्दिक पांड्या का देखना होगा कि IPL 2022 में किस तरह का प्रदर्शन रहता है, कैसी फॉर्म फिटनेस रहती है, उस पर नजर BCCI की लगातार रहेगी। कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा लगातार नजर बनाकर रखेंगे, और हार्दिक पांड्या अब चाहते होंगे कि अपना प्रदर्शन बेहतर करके वो T20 विश्व कप वाली टीम में जगह बनाए। लेकिन उसके बाद में एक और खिलाड़ी है, नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल का भी बयान सामने आया है। शुभमन गिल भी गुजरात की टीम के अहम हिस्सा है, और टेस्ट टीम के लगातार टीम इंडिया का हिस्सा वो लगातार रहते हैं। 10 टेस्ट मैच अभी तक खेल चुके हैं, लेकिन शुभमन गिल को T20 और वनडे क्रिकेट में ज्यादा मौके नहीं मिले, इसीलिए शुभमन गिल चाहते हैं कि वो IPL के प्रदर्शन के आधार पर IPL में बेहतर खेल दिखाकर वो T20 विश्व कप की टीम में जगह बनाए। ये शुभमन गिल का कहना है। उनका कहना है कि मेरा सपना है कि मैं IPL में बेहतर प्रदर्शन करूं, बेहतर खेल दिखाऊं, अच्छी बल्लेबाजी करूं, और उसके बाद टीम इंडिया में मेरा सिलेक्शन हो। ये शुभमन गिल का कहना है। शुभमन गिल का वैसे ये भी कहना है कि बहुत सारे खिलाड़ी लाइन में हैं, बड़ी मुश्किल है टीम इंडिया में जगह बनाना, लेकिन शुभमन गिल का कहना है कि मैं बेहतर प्रदर्शन अगर कर पाऊंगा IPL में, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि मुझे सेलेक्टर्स T20 विश्व कप की टीम में मौका दें। तो आपका इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल को T20 विश्व कप की टीम में जगह मिल सकती है? वैसे इन दोनों खिलाड़ियों के साथ बाकी कई खिलाड़ी हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, उसमें संजू सैमसन का नाम भी शामिल है। संजू सैमसन को भी लगातार लोग बोल रहे हैं कि उनको भी T20 विश्व कप की टीम में जगह मिलनी चाहिए। श्रेयस अय्यर है, सूर्य कुमार यादव है, ईशान किशन, लगातार कई खिलाड़ी हैं जिनको लेकर लगातार बातें चल रही हैं। वेंकटेश अय्यर को लेकर लगातार लोग बोल रहे हैं कि उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो तमाम खिलाड़ी इस वक्त नजर में है जिनको जांचा परखा जा रहा है। संजू सैमसन को लेकर तो रोहित शर्मा खुद बोल चुके हैं कि वो T20 विश्व कप के लिए एक अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। तो आपका क्या मानना है, किन खिलाड़ियों को इस वक्त आप मान रहे हैं कि T20 विश्व कप में मौका मिलेगा, और क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या आपको T20 विश्व कप की टीम में खेलते हुए नजर आ सकते हैं? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।